2014 पर पीवा सीट पर 40,000 वोट उन्हें प्राप्त किए थे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से राजनीति में उन्हें कदम रखा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की जन आक्रोश पद यात्रा में राय मलिकपुर से लेकर चंडीगढ़ तक उन्हें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का साथ दिया और आज कुरुक्षेत्र और कैथल जिले के अलग अलग सामाजिक संगठनों में अलग अलग जो समाज कार्य हैं उनके अंदर उनका योगदान रहा है। पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जय भगवान डीडी शर्मा जी को पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है। वहीं जहाँ गुड़गांव लोकसभा की बात थी, क्योंकि हमने देखा चारों ओर पॉलिटिकल पार्टीज आज कहीं एक स्पेसिफिक फोकस के साथ जारी, वही हमने अपनी ओर से महमूद खान जी, जो कि विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज में 42 साल तक काम कर आए हैं, IITN है, रिटायरमेंट से पहले वो यूनिलीवर के उचित पद ग्लोबल लीडर पद पर रिटायर हुए हैं। 2009 के अंदर फोर्ब्स इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हैं। उनको 2011 में NRI सम्मान मिला और IIM अहमदाबाद के वो पास आउट हुए। 1977 के अंदर IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री करी थी और 1975 के अंदर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से BSc एग्रीकल्चर करने का काम किया था। निरंतर रिटायरमेंट से लेकर अब तक गुड़गांव, मेवात और रिवाड़ी के अंदर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से वो जुड़े रहे हैं और उन्हें जहाँ समाज के उत्थान के लिए काम किया, वहीं गरीब बच्चों की शिक्षा को कैसे ग्रामीण अंचल में बढ़ाया जाए, खास तौर पर उस पर अपने कार्य को करने का काम किया। तीसरी सीट जहाँ रोहतक की सीट है, सोनीपत की सीट, आपने खुद देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना उम्मीदवार उतारा। वही दूसरी ओर पर वर्तमान सांसद को BJP ने अपना उम्मीदवार रखने का काम किया। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए समझते हुए पार्टी के तमाम साथियों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से जींद की रण के अंदर कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी ने अपनी पूरी टीम को मैदान में उतारा था, वहाँ जवाब देने के लिए और बताने के लिए कि आज इस प्रदेश में कोई अल्टरनेटिव है तो वो जननायक जनता पार्टी है। दिग्विजय सिंह को उस चुनावी रण में उतारने का काम किया था। जननायक जनता पार्टी निर्णय लेती है कि आज दोबारा दिग्विजय सिंह चौटाला को सोनीपत के इस रण से उतारने का हम काम करेंगे और इसी सोच के साथ करेंगे कि छात्र राजनीति को जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने बदला, छात्र संघ चुनाव प्रदेश में बहाल कराने का काम किया, आज सोनीपत एक एजुकेशन हब है और सोनीपत के अंदर आज छात्रों की लड़ाई के साथ साथ युवाओं की और खिलाड़ियों की लड़ाई को भी आगे ले जाने का निर्णय पार्टी करती है और उसके लिए वो जिम्मेवारी दिग्विजय सिंह के कंधों पर दोबारा डालने का काम करती है।
डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का विशेष सोच यही है कि चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि सोनीपत, जहाँ से वो सांसद चुने गए थे, आज उसी कर्म भूमि को दोबारा मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, आगे ले जाया जाए, उसके लिए जिम्मेवारी दिग्विजय सिंह के कंधों पर डाली जाती है। दो दिन नॉमिनेशन के बचे हैं, आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद आज अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उसके साथ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की हमारी उम्मीदवार स्वाति भी अपना नॉमिनेशन आज फाइल करेंगे। यहाँ नवीन जैन के नॉमिनेशन की बात थी, मेरे को दो मिनट पहले अपडेट आई है कि उनका नॉमिनेशन अब कल भरा जाएगा। प्रदीप देशवाल का नॉमिनेशन भी कल भरा जाएगा और जो आज तीन उम्मीदवार अनाउंस करेंगे उन तीनों का भी नॉमिनेशन कल सुबह हम फाइल करने का काम करेंगे। मेन चीज आज इस चुनावी रण में देखने की समझने की यही है कि जहां लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झूठी घोषणाओं के विरुद्ध एक मन बनाने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर एक ये निर्णय भी किया गया है कि आज इस कांग्रेस की लूट की सोच के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी जाए। और देश भर में जो हालात बन रहे उसमें ना तो भारतीय जनता पार्टी 200 क्रॉस कर और ना कांग्रेस 100 क्रॉस कर, और इन परिस्थितियों में एक माहौल रीजनल पार्टीज को मजबूती का और आगे बढ़ाने का बन रहा है। उन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के इस गठबंधन ने या इस प्रदेश में एक मजबूत लहर चलाने का काम किया है, वही राजनीतिक तौर पर युवाओं को अहम जिम्मेवारी और एक युवा नेतृत्व देने का काम किया है। बड़ी खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि आम आदमी पार्टी के अंबाला के उम्मीदवार पृथ्वीराज जी और जननायक जनता पार्टी के गुड़गांव के उम्मीदवार महमूद खान जी को छोड़कर तमाम उम्मीदवार इस गठबंधन के आज 40 साल और उससे नीचे आयु के, और मैं ये मानता हूँ कि जहाँ हमारी एवरेज आज 34 साल की आ रही, आज पूरे देश के अंदर अगर कोई युवा नेतृत्व दे सकता है, कोई युवाओं की बात लेकर आगे बढ़ सकता है तो केवल मात्र जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन। आज आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के 10 उम्मीदवारों की जो घोषणा हुई है, मैं समझता हूँ उससे हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस और इन लोग तीनों की स्थिति बहुत असहज हो गई है। जिस ताकत के साथ जो समीकरण युवा उम्मीदवारों का हरियाणा में बना है, सभी उम्मीदवार शिक्षित और अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक्सपीरियंस रखने वाले IITian और IIM से अच्छे संबंध रखने वाले ऐसे नौजवान जो हरियाणा की दिशा और दशा को बदलने के अंदर सक्षम होंगे। देश की आजादी के 70 साल बाद भी दुर्भाग्य है, हरियाणा के अंदर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है। शिक्षण संस्थाओं का बुरा हाल हरियाणा के अंदर हो चुका है। पूरा हरियाणा आज जाति और धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने बांट के रख दिया है। कांग्रेस खुद खेमों के अंदर बटी हुई है, एक दूसरे को हराने के लिए कांग्रेस के लोग खुद ब खुद भी काम करते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा की 10 की 10 सीट जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मिलकर जीत रहे हैं और हरियाणा की दिशा को बदलने के लिए
जहां पे अब लोकसभा के अंदर हम आ रहे हैं, वहीं पे विधानसभा के अंदर भी इससे और अधिक ताकत के साथ मिलकर हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम करेंगे।